हमने देखा कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में बीजेपी के नेता और मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा ने किस तरह से हिंसा करी और किस तरह से किसानों को बेरहमी से कुचलते हुए अपनी गाड़ी चलाते हुए निकल गए। और उसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण हम देख रहे हैं कि जहांगीरपुरी में किस तरह से भाजपा के नेताओं ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा करी, दंगे करवाए। हमने देखा कि भाजपा का एक स्थानीय नेता अंसार किस तरह पकड़ा गया, हिंसा में शामिल हुआ और आज दिल्ली पुलिस की हिरासत में एक प्राइम अक्यूज्ड के तौर पे उनके पास है। तो आज देश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से, भारतीय जनता पार्टी की हिंसा से, भारतीय जनता पार्टी की लफंगई से परेशान है। आज लोग ये कहने लग गए हैं कि भाई अगर विदेश में कोई गुंडागर्दी करता है तो वो जेल जाता है, लेकिन भारत में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मानित करती है। लोग ये कहने लग गए हैं कि जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, बलात्कार करता है, हिंसा करता है विदेश में, उसे सख्त से सख्त सजा होती है। लेकिन भारत में चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, साक्षी महाराज हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, बाबूश मोन्सेराट हो, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता बनते हैं। तो आज आप दिल्ली के और देश के किसी भी हिस्से में जाइए तो हर जगह लोग एक सुर में एक आवाज कह रहे हैं कि हम बीजेपी की गुंडागर्दी से परेशान हैं। अभी दो दिन पहले मैं एक शादी पर गई, शादी में अलग अलग लोग मेरे पास आके सिर्फ एक चीज कह रहे थे कि जी बीजेपी की गुंडागर्दी की, बीजेपी की हिंसा की अब हदें पार हो गई।